हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की दो रंग की लड्डू गोपाल की बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। यह ड्रेस 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। इसमें मैंने नीले और सफ़ेद रंग की ऊन से बनाई है। इस ड्रेस में घेरे में मैंने 22 फंदे डाले हैं और चोली में 16 फंदे डाले हैं। चलो इस तरह की ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोनों कलर की ऊन ले लेते हैं और हम ये पोशाक 2 नंबर की सिलाई से बनाएंगे। सबसे पहले हम नीले रंग की ऊन से 22 फंदे डाल लेते हैं। ऊन को डबल करके यहाँ पे इस तरह नोट लगा लेते हैं। नोट लग गई, इसको इसमें सिलाई में डाल के हम 22 फंदे डाल लेते हैं। ये हमारे 22 फंदे डल गए, तो यहाँ पे इस तरह गांठ लगा देते हैं। हम इसको उल्टी सिलाई से बनाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम नीले रंग से ही 2 फंदे बनाते हैं। अब इस सिलाई को हम सीधा कर लेंगे और इन्हीं 2 फंदों को वापस से बना लेंगे। अगली सिलाई में हमें तीसरी सिलाई में हमें 2 फंदे तो पहले के हैं, 2 और लेने, इस तरह 4 फंदे हो जाएंगे। तो 2 तो हम नीले रंग के बनाएंगे और 2 फंदे हम सफ़ेद रंग की ऊन से बनाएंगे। इस तरह हमारे 4 फंदे हो जाएंगे। वापस से सिलाई को घुमा लेंगे, इन 2 सफ़ेद फंदों को बना लेंगे। ये सभी सिलाई हमको उल्टी उल्टी बनानी है। फिर इस सफ़ेद धागे को ऊन को पीछे ले जाएंगे और नीले रंग की ऊन को आगे लाएंगे, तो इन दोनों ऊन को इस तरह से क्रॉस कर लेंगे जिससे इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा और नीले रंग के 2 फंदे बना लेंगे। अब वापस से हम उल्टी सिलाई में आ गए, तो वापस से हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं। हमें 2, 4, अब 6 हो जाएंगे हमारे फंदे। तो 2 नीले बना लेंगे पहले हम, फिर इस ऊन को, नीली ऊन को आगे करेंगे, सफ़ेद ऊन को वापस से क्रॉस करते हुए 2 फंदे बना लेंगे, फिर सफ़ेद ऊन को सफ़ेद ऊन को इस तरह हम आगे करेंगे और फिर नीले 2 फंदे बना लेंगे। फिर वापस से हम सिलाई को घुमा लेंगे, नीले 2 बना लेंगे, वापस से क्रॉस करेंगे पीछे से, सफ़ेद को आगे लाएंगे, सफ़ेद बना लेंगे, फिर हम वापस से क्रॉस करेंगे, नीले को आगे लाएंगे, वापस से नीले बना लेंगे। वापस से हम उल्टी सिलाई में आ गए। अब अच्छे, अब हम 2 फंदे और बढ़ा लेंगे, ऐसे 8 फंदे हो जाएंगे हमारे। सफेद को इधर नीचे लाएंगे, क्रॉस करते हुए नीले से बनाएंगे, फिर वापस से हम नीले को इधर नीचे करेंगे, 2 सफेद के फंदे और बढ़ा लेंगे। इस तरह हमारे पास 8 फंदे हो गए। वापस से आगे करेंगे, वापस से सफ़ेद बनाएंगे, फिर सफ़ेद ऊन को पीछे ले जाएंगे, नीले रंग की ऊन को आगे लाएंगे, दोनों को क्रॉस करते हुए वापस से 2 फंदे बनाएंगे, फिर ऊन को पीछे ले जाएंगे, सफ़ेद को आगे लाएंगे, सफ़ेद के 2 फंदे, सफ़ेद ऊन को पीछे ले जाएंगे, नीले रंग की ऊन को आगे लाएंगे, वापस से 2 फंदे बना लेंगे। इस तरह हमारी 8 फंदे बन गए। वापस से उल्टी सिलाई में हमको 2 फंदे बढ़ाने हैं। अब नीले सफ़ेद, नीले सफ़ेद, अब वापस से हम नीले 2 फंदे बनाएंगे। ये वापस से हम नीले 2 फंदे बना लेते हैं। वापस से सिलाई को सीधा करेंगे, वापस से नीले 2 फंदे बना लेंगे, नीली उनको पीछे ले जाएंगे, सफ़ेद को आगे ले जाएंगे, दोनों को क्रॉस करते हुए। ये क्रॉस करना नहीं भूलना है, नहीं तो इन दोनों के बीच में गैप रह जाता है।
वापस से दो फंदे हम बढ़ा लेंगे। अब के अब दो फंदे सफेद रंग की ऊन से बनाएंगे। अब ये दो फंदे हम सफेद रंग की ऊन से बढ़ा लेंगे। वापस से सिलाई को सीधा कर लेंगे, सभी फंदों को बना लेंगे। सफेद ऊन को पीछे ले जाएंगे, नीली को आगे लाएंगे, वे क्रॉस करते हुए। वापस से उल्टी सिलाई आ गई। वापस से हम दो फंदे बढ़ाएंगे, अब के समय नीले रंग की ऊन के दो फंदे बढ़ा लो। वापस से हम दो फंदे बढ़ा लेंगे जो हमें नीले रंग से बनाने। वापस से सीधी सिलाई करेंगे हम, वापस से सभी फंदों को बना लेंगे। नीली ऊन को पीछे ले जाएंगे, सफेद को आगे लाएंगे और क्रॉस करते हुए। वापस से हम उल्टी सिलाई में आ गए। वापस से दो फंदे बढ़ा लेंगे, अब के समय सफेद रंग के दो फंदे बढ़ाने। वापस से हम दो सफेद रंग के फंदे बढ़ा लेंगे। बना लिए दो फंदे, अब वापस से सीधी सिलाई में आ गए। वापस से हम सफेद रंग के बनाएंगे, सफेद ऊन को पीछे ले जाएंगे, नीले रंग की को आगे लाएंगे, क्रॉस करते हुए पूरी सिलाई को इसी तरह निकाल लेंगे। वापस उल्टी सिलाई में आ गए। वापस से दो फंदे बढ़ा लेंगे। वापस से अब ये दो फंदे बना लेंगे, ये हमें नीले रंग के फंदे बनाने। वापस से सीधी सिलाई आ गई हमारी, फिर नीले रंग के बनाएंगे, नीली ऊन को पीछे ले जाएंगे और सफेद ऊन को आगे क्रॉस करते हुए लाएंगे। इसी तरह हर बार क्रॉस करते हुए पूरी सिलाई को हम निकाल लेंगे। वापस से हम उल्टी सिलाई में आ गए। वापस से हम दो फंदे और बना लेंगे।
ऊपर से हम ये दो फंदे अब सफ़ेद रंग के बना लें। अब इससे हमारी सीधी सिलाई आ गई, सफ़ेद रंग के दो फंदे बनाएंगे, सफ़ेद ऊन को पीछे ले जाएंगे, नीली ऊन को आगे लाएंगे, इसी तरह क्रॉस करते हुए पूरी सिलाई को बना लेंगे। अब हम बचे हुए दो फंदे बचे हैं इन्हें भी बना लेंगे। बचे हुए दो नीले फंदे हमने बना लिए, इस तरह हमारे सभी फंदे बन जाते हैं। अभी मैं सिलाई को पूरा निकाल लेंगे। मैं बस ये क्रॉस करना हमेशा याद रख लिया। इस तरह हमारी ये एक कली पूरी हो जाती है। अब हम दूसरी कली में वापस से दो फंदे नीले बनाएंगे, उनको वापस से बनाएंगे, फिर चार फंदे, इसी तरह हम दूसरी कली को बनाएंगे। शुरू में दो फंदे, फिर वापस से इनको बना लेंगे, फिर वापस से चार फंदे कर लेंगे, इसी तरह हम पूरे घेरे को बना लेंगे। हम पूरे घेरे को बना लेंगे। अब इस तरह हमारा ये घेरा पूरा हो गया है। इस घेरे में मैंने 11 कलियां बनाई हैं। अब इसमें हम सफ़ेद रंग की ऊन को तो काट देंगे और नीले रंग की ऊन से सीधी और उल्टी सिलाई बना के सभी फंदों को घटा देंगे। हमने शुरू के फंदे नीले रंग की ऊन से डाले थे, इसलिए हम आखिर के फंदों को भी नीले रंग की ऊन से ही बना के घटाएंगे। इस तरह हमने फंदे घटा लिए, हमारा ये घेरा पूरा हो गया। अब हम चोली बनाएंगे। सबसे पहले हम चोली में नीले रंग की ऊन से 16 फंदे डालेंगे। डबल ऊन करके इस तरह गांठ लगा लेंगे और 16 फंदे डाल लेंगे। सोलह फंदे हो गए, हम इसके गांठ लगा लेंगे। अब हम ये पहली सिलाई उल्टी निकाल लेंगे और दूसरी सिलाई भी उल्टी निकाल लेंगे। दूसरी सिलाई भी उल्टी निकाल लेते हैं।
अभी हमने उल्टी सिलाई निकाल ली है, अब हम सफ़ेद रंग की उनको जोड़ेंगे। शुरू में ये दो फंदे हम सफ़ेद बनाएंगे। दो फंदे बनाने के बाद एक जाली डालेंगे, धागे को इसे पीछे ले जाएंगे, एक जाली वापस पीछे ले जाएंगे, फिर जाली को गिनते हुए हम दो फंदे बनाएंगे, फिर वापस से धागा पीछे ले जाएंगे, हम दूसरी जाली डालेंगे, फिर धागा पीछे, जाली के फंदे को गिनते हुए हम चार फंदे बनाएंगे, चार। अब वापस से धागा ऊन पीछे ले जाएंगे, एक जाली बनाएंगे, ऊन पीछे ले जाएंगे, फिर ये बाजू के दो फंदे, एक दो, फिर वापस से पीछे ये एक जाली और दूसरी जाली ले जाते हुए दो फंदे बनाएंगे। अब हम पूरी सिलाई को उल्टी निकाल लेंगे। आगे तो हमारे तीन फंदे हो जाएंगे, जाली के फंदे को बुन लेंगे, तो फिर ये इस तरह हम पूरी सिलाई को उल्टा निकाल लेंगे। अब वापस से हम जाली के ऊपर जाली डाल लेंगे तीसरी सिलाई में, सफ़ेद रंग की ऊन से ही बनाना है उनको। शुरू के तीन फंदे बना लेंगे, वापस से पीछे धागा ले जाके जाली पे जाली बना लेंगे। जाली पे जाली पीछे ऊन ले जाके जाली पे जाली बना लेंगे। इस तरह हमारी ये दूसरी जाली भी हो गई। अब हम उल्टी सिलाई को पूरी उल्टी निकाल लेंगे और अगली सिलाई में हम फिर नीले रंग की ऊन से बनाएंगे। इस तरह हम दो दो सिलाइयाँ निकाल के हम पांच जालियाँ डाल लेंगे। इस तरह हमने अब इसमें पांच जालियाँ पूरी कर ली, दो सफ़ेद में, दो नीली में और एक सफ़ेद में, इस तरह पांच जालियाँ कर ली। मैंने अब इसकी उल्टी सिलाई भी निकाल ली। अब हमारी सिलाई में पूरे 56 फंदे हो गए। अब हम इसकी बाजू अलग कर देंगे और बाकी के हिस्से को हम बना लेंगे। शुरू में हम बनाएंगे फली के फंदे को लेते हुए आठ फंदे बनाएंगे। अभी हमारे बाजू के फंदे जो हमें 12 फंदे हैं, जिन्हें हम एक पिन में डाल देंगे। अब हम ये पीछे के हिस्से के फंदे बना लेंगे। सोलह फंदे पीछे के, फिर वापस से हम बाजू के फंदे को पिन में डाल देंगे 12 फंदों को। इनको बंद कर देंगे, आगे के आठ फंदे।
पूरी सिलाई को उल्टा निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम एक नीली की, एक सफ़ेद की और एक नीली की ओर निकाल के हम पूरी चोली की लंबाई को पूरा कर लेते हैं। इस तरह हमारी ये चोली पूरी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे अभी दूसरी बाजू मैं आपको बनाना बताती हूँ। पहले पिन में से हम फंदों को सिलाई में डाल लेंगे। हमने सफ़ेद की एक ही लाइन निकाली थी, इसलिए हम वापस से सफ़ेद ऊन से ही दूसरी लाइन निकालेंगे। वापस से इधर सफ़ेद से निकाल के लाइन पूरी करके हम नीले रंग से निकाल लेंगे। हम नीले रंग की ऊन जोड़ के सफ़ेद से नीला, फिर सफ़ेद और फिर नीला निकाल के हम फंदे घटा देंगे। इस तरह हमारी बाजू पूरी हो जाएगी। अभी हमने बाजू की सिलाइयाँ पूरी कर ली। हम ये नीले रंग की सिलाई में, तीसरी सिलाई में ही हम फंदे घटा देते हैं। पहला फंदा उल्टा बनाते हैं, फिर दोनों फंदों को साथ में लेके उल्टा बना देते हैं। इसी तरह हम सभी फंदों को घटा देंगे। ये हमारी दोनों बाजुएं भी पूरी हो गई। इस तरह हमारी ये गोपाल जी की चोली पूरी हो जाती है। अब हम इसे घेरे से जोड़ देते हैं। ये हमने बाजू की ऊन थी इसको सुई में डाल के इसको बाजू के यहाँ से सिल देंगे। इस तरह हमारी एक बाजू सिल जाती है। इसी तरह हम दूसरी बाजू को भी सिल लेंगे। इस तरह हमने ये दोनों बाजुएं सिल ली। अब हम हमारी चोली को घेरे से अटैच कर दें। घेरे के इस कोने को पकड़ के यहाँ से हम चोली को सिलना शुरू करेंगे। फिर हम पूरी चोली को घेरे पे सिल देंगे। इस तरह हमारी पूरी चोली घेरे से सिल जाती है। अब हम चाहें तो इस घेरे को खुला भी रख सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। इस तरह हमने पूरी पोशाक सिल ली। अभी हमारी पोशाक लड्डू गोपाल की तैयार हो गई। अगर आपको ये मेरी पोशाक अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।